नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमोऽण जिणं वीरं अनंतवर्णान दंशन सहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदं। नियम सार परमागम के शुद्ध भाव अधिकार की विषय वस्तु पर चर्चा चल रही थी अपनी। 43 गाथा हो गई थी और 44 गाथा भी हो गई थी। अब आज अपनी गाथा है 45 से 50 गाथा तक के विषय पर थोड़ी अपने को चर्चा करनी है। देखिए कि दो गाथाओं में, उसके पहले की दो गाथाओं में भगवान आत्मा का स्वरूप अलग अलग तरह से बताया। नास्ति से भगवान आत्मा कैसा है कैसा नहीं है, तो उन्होंने कहा निर्ग्रंथ है, निशल्य है, सर्व दोष विमुक्त है, निष्काम है, निष्क्रोध है, निर्मोह है और निर्मद है। यहां तक चर्चा होने के बाद अब ये जो दो गाथाएं आई है 45 और 46 नंबर की गाथा, तो इन दो गाथाओं में आचार्य भगवान ये कहते हैं कि यहां इन दो गाथाओं में परम स्वभावभूत, स्वभावभूत के साथ में क्या विशेषण लगाया कि परम स्वभाव माने जिससे उत्कृष्ट कोई जगत में दूसरा नहीं है। देखो अपने यहां पर आपने परम भाव और अपरम भाव की चर्चा सुनी होगी, आता है ना, ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है ना। तो परम भाव और अपरम भाव की दो अपेक्षाएं आती है कि जब पर्याय पर्याय में परम भाव और अपरम भाव घटित करना हो, पर्याय पर्याय में, तो छायिक भाव वो परम भाव है और छायिक भाव के अलावा औपशमिक भाव, क्षयोपशम भाव, औदयिक भाव, ये जो तीन भाव है ना, उपशम, क्षयोपशम और औदयिक भाव, इन भावों को बोलते हैं अपरम भाव। अपरम माने ये उत्कृष्ट भाव नहीं। और जब पारनामिक भाव को खड़ा कर देते हैं, एक रूप त्रिकाल जिसको अपन यहां पर शुद्ध भाव कह रहे हैं, कि जब उस शुद्ध भाव को खड़ा कर देते हैं तो एकमात्र शुद्ध भाव है वो परम भाव है और उसके अलावा छायिक भाव भी अपरम भाव में चला जाता है। छायिक भाव माने सिद्ध दशा की जो अवस्था है, सिद्ध दशा रूप जो अवस्था है, केवल ज्ञान की जो अवस्था है, तो उसको भी अपरम भाव में ले जाते हैं। एकमात्र परम पारिणामिक भाव रूप जो स्वभाव है वही परम भाव है, वही आश्रय करने लायक है। उसके अलावा कोई भी भाव, पर्याय रूप कोई भी भाव हो, जैन दर्शन पर्याय भाव की अस्थि को स्वीकार करता है, लेकिन पर्याय भाव की अस्थि किस में, कि पर्याय भाव की अस्थि पर्याय में, ध्रुव तत्व में पर्याय की नास्ति। देखो प्रमाण के द्रव्य की जब चर्चा चलेगी प्रवचन सार में, तो वहां पर तो विकारी अविकारी पर्याय आत्मा की है, क्योंकि वहां प्रयोजन क्या है कि वहां मात्र पर द्रव्य से भिन्नता लाकर करा के जीव को अपने द्रव्य गुण पर्याय की बाउंड्री के बीच में लाकर, बाउंड्री में लाकर के खड़ा कर दिया। माने इसके बाहर तो तू झांकना ही नहीं, तो वहां पर तो राग का कर्ता भी आत्मा को, शुद्ध राग के कर्तत्व का जो कथन आया वहां, तो उसके लिए भी यह कहा कि यह शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय है ना। वो एक अलग विषय है,
और यहां पर चूंकि उपादेय भूत तत्व कौन है, तो देखो हे और उपादेय, ये जो व्यवस्था है हे और उपादेय की व्यवस्था, ये अपने द्रव्य गुण पर्याय से बाहर का कोई पदार्थ उपादेय तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उपादेय तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अपने से बाह्य, अपने द्रव्य गुण पर्याय से बाहर का कोई पदार्थ हे भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हे हो सकता? क्योंकि उसका ग्रहण आत्मा ने आज तक कभी किया नहीं। तो जिसका ग्रहण नहीं किया, उस पर पदार्थ का, पर द्रव्य का, पर द्रव्य के गुण का, पर द्रव्य की पर्याय का आत्मा त्याग करे, ये बात तो रहती नहीं। अब अपने द्रव्य को, अब अपने ही द्रव्य गुण पर्याय में, पर्याय दो तरह की, एक अशुद्ध पर्याय और एक शुद्ध पर्याय। अशुद्ध पर्याय का तो कोई मतलब ही नहीं है, अशुद्ध पर्याय की उपादेयता का तो प्रश्न ही नहीं है, जो भी थोड़ा भी तत्व ज्ञान की समझ रखता होगा अशुद्ध पर्याय की उपादेय के बारे में तो वो सोचेगा ही नहीं। शुद्ध पर्याय प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय कही गई, समझा? शुद्ध पर्याय के भी दो प्रकार, अपूर्ण शुद्ध पर्याय और पूर्ण शुद्ध पर्याय। तो भले ही शुद्ध पर्याय को प्रकट करने की अपेक्षा से जिनागम उपादेय कहता है, लेकिन शुद्ध पर्याय को प्रकट करने की विधि क्या? आगे समझे कि शुद्ध पर्याय को प्रकट करने की विधि, शुद्ध पर्याय की ओर झांकना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब तुझे शुद्ध पर्याय प्रकट करनी है, इसका मतलब अभी तो शुद्ध पर्याय नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रकट करनी है ना, तो अभी नहीं है। तो नहीं है तो प्रकट करने के लिए विधि क्या है? कि जिस तत्व का अवलंबन करने से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, उस तत्व का अवलंबन कर लो। उस तत्व का अवलंबन करने से पर्याय में शुद्धता का परिणमन अपने आप होता है। शुद्ध तत्व के अवलंबन से शुद्धता का परिणमन होता है। कोई कहे कि मैं शुद्ध परिणमन का अवलंबन करके शुद्ध परिणमन प्रकट करूंगा, कि भाई साहब जब तुम्हारे पास पहले से ही शुद्ध परिणमन है, तो फिर तुम्हें प्रकट करने की जरूरत ही कहां है? न्याय समझ में आता कि नहीं है ना? अगर तुम्हारे पास है तो फिर प्रकट करने की जरूरत ही कहां है? अरे नहीं है तभी तो प्रकट करना है। तो नहीं है तो प्रकट कैसे हो? शुद्ध तत्व का अवलंबन करो। शुद्ध तत्व का अवलंबन करने वाला परिणाम शुद्ध परिणाम कहलाता है, धर्म का परिणाम कहलाता है। लेकिन शुद्ध भाव अधिकार यह कहता है कि वो धर्म का परिणाम भी त्रैकालिक ध्रुव तत्व में नहीं है। गुरुदेव श्री से प्रश्न किया कि पर्याय द्रव्य में तन्मय होकर के द्रव्य का आश्रय करती है, या द्रव्य में द्रव्य से अतन्मय रह करके द्रव्य का आश्रय करती है? क्या प्रश्न किया? पर्याय द्रव्य में तन्मय होकर के द्रव्य का आश्रय करती है, कि पर्याय द्रव्य से अतन्मय रह करके द्रव्य का आश्रय करती है? तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि पर्याय कभी भी द्रव्य से तन्मय हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि पर्याय एक समय की है, द्रव्य त्रैकालिक है, दोनों का स्वरूप भिन्न है। तो फिर तन्मय कहा तो जाता है, कि कहा इसलिए जाता है कि पहले पर्याय का मुख बाह्य की ओर था, अब उस पर्याय का मुख द्रव्य की ओर हुआ, बस पर्याय का मुख बदला, इसी को पर्याय की द्रव्य में तन्मयता कही जाती है। लेकिन वस्तु रूप से पर्याय द्रव्य में तन्मय हो जाए, अर्थात पर्याय द्रव्य रूप हो जाए, ऐसा होने पर दो स्थितियां होंगी। यदि पर्याय द्रव्य में तन्मय हुई, द्रव्य में तन्मय होने पर दो स्थितियां बनी, या तो पर्याय त्रैकालिक हो जाएगी। तो अगर पर्याय त्रैकालिक हो जाती है तो त्रैकालिक का कभी वेदन नहीं होता, तो आनंद का वेदन खत्म, एक। और यदि द्रव्य पर्याय रूप हो गया,
तो पर्याय अगले समय में नष्ट होगी तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा, है ना। तो एक परिस्थिति यदि द्रव्य पर्याय रूप हो जाए तो अगले समय में द्रव्य का नाश, यदि पर्याय द्रव्य रूप हो जाए तो पर्याय हो गई त्रैकालिक ध्रुव, तो फिर आनंद का वेदन नहीं हो सकता, क्योंकि वेदन प्रकट रूप कार्य का होता है। इसलिए जो तन्मयता आश्रय ये जो सब बातें बोली जाती है ना, कि ये केवल उस पर्याय ने द्रव्य के साथ में अभेद भाव से ये स्वीकार किया कि ये मैं हूं, ये भी ये मैं हूं, ये भी समझाने में इतना भेद तो पड़ेगा, लेकिन द्रव्य पर्याय का भेद वहां पर दिखाई नहीं दिया। क्योंकि द्रव्य और पर्याय का भेद दिखाई दे तो निर्विकल्प अनुभव नहीं हो सकता, और द्रव्य और पर्याय का भेद सर्वथा मिट जाए, यानी द्रव्य पर्याय रूप हो जाए और पर्याय द्रव्य रूप हो जाए, तो ये दो परिस्थितियां जो मैंने अभी आपके सामने रखी वो आएगी, है ना। तो पर्याय पर्याय रहती है, द्रव्य द्रव्य रहता है, माने स्वभाव स्वभाव रहता है, और परिणाम परिणाम रहता है, और परिणाम और स्वभाव की ये ऐसी रमत है कि जिसमें भिन्नता होने पर भी अभिन्नता जैसी हो जाती है, और अभिन्नता होने पर भी भिन्नता जैसी, भिन्नता ज्यों की त्यों रहती है। अभिन्नता किस अर्थ में, कि द्रव्य पर्याय का भेद अनुभव में नहीं आता, क्योंकि द्रव्य पर्याय का भेद अनुभव में आवे तो निर्विकल्पता नहीं हो सकती, लेकिन द्रव्य और पर्याय का भेद मिट नहीं जाता, क्योंकि द्रव्य और पर्याय का भेद मिटने पर या तो पर्याय के त्रैकालिक होने का प्रसंग आएगा या द्रव्य के क्षणिक होने का प्रसंग आएगा, जो कभी होता नहीं है। ये बहुत सारी बातें हैं। अब यहां जो देखो इन दो गाथाओं में जो बात आई, तो इन दो गाथाओं में क्या कहा कि परम स्वभावभूत जो ऐसा जो कारण परमात्मा का स्वरूप, किसका स्वरूप, कारण परमात्मा का जो स्वरूप है उसे समस्त पौद्गलिक विकार समूह नहीं है। क्या मतलब कि ये जितनी भी बातें कही जा रही है अभी, जितने भी बोल आएंगे, इन सारे बोलों को आचार्य भगवान कहते हैं कि ये सब पौद्गलिक विकार समूह है और वो आत्मा को नहीं है, कारण परमात्मा को पौद्गलिक विकार समूह नहीं है। देखो इसमें ऐसा कहा जा रहा है, इसमें इसमें क्या है कि एक गुण तो है अस्थि, एक बोल तो है अस्थि का और बाकी सारे बोल है नास्ति के। क्या कहा देखो, इसमें गाथा पढ़ेंगे अपन, खाली ये प्राकृत नहीं, खाली हरिगीत पढ़ लीजिए। नहीं स्पर्श रस अरु गंध वर्णन क्लीव नर नारी नहीं संस्थान सहनन सर्व ही ये भाव सब जीव को नहीं रस रूप गंधन व्यक्त नहीं नहीं शब्द चेतन गुणमयी निरदिष्ट नहीं संस्थान होता जीवलिंग ग्रहण नहीं। सब में नहीं 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 क्या आया, इतने बोल में ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, और एक बोल आया खाली कि कैसा है, तो उनने कहा कि चेतना गुणमयी, है ना। अब कितने बोलों से भिन्न बताया देखना जरा, और इसमें इस एक गाथा की क्या विशेषता है वो थोड़ा अपन चर्चा कर लेंगे अभी। देखिए ये 45-46 नंबर की गाथा में क्या कहा कि वर्ण रस गंध स्पर्श स्त्री पुरुष नपुंसक आदि पर्याय संस्थान, छह प्रकार के होते हैं ना सब ये, और सहनन यह सर्व जीव को नहीं है। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि पौद्गलिक है, है ना, ये सब पुद्गल की रचना है, ये तो जीव को नहीं है। ठीक, आगे देखो फिर क्या कहा कि जीव कैसा है कि जीव को अरस अरूप अगंध अव्यक्त
चेतना गुण वाला अशब्द अलिंग ग्रहण माने लिंग से अग्राह्य और जिसे कोई संस्थान नहीं कहा गया कहा है ऐसा जान। आचार्य भगवान ने आदेश दिया ऐसा जान, तो इसमें कितने बोल नास्ती के आए कि देखो अरस नास्ती, अरूप, अगंध, अव्यक्त, ये सब नास्ती के बोल हैं। इसके बाद अशब्द, अलिंग ग्रहण जिसका कोई संस्थान नहीं है, ये सारे बोल नास्ती के, और एक बोल अस्ति का। कैसा कि जीव है कैसा, आपने तो ये कहा ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, अरे है कैसा वो तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि जीव चेतना गुण वाला है, ये एक बोल अस्ति और इतने बोल नास्ति के। तो भाई इतने बोल नास्ति के क्यों लिए, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, ये क्यों लिए कि हम अपने को चेतना गुण वाला ही नहीं मानते। इसके अलावा देखो हम अपने को रस वाला मानते हैं, हम अपने को रूप वाला मानते हैं, हम अपने को गंध वाला ये जितने भी पौद्गलिक विकार कहे गए, अपने को पुरुष मानते हैं, अपने को स्त्री मानते हैं, है ना, जो जो भी विकार कहे, है ना, मेरा वजन बढ़ गया, मेरा वजन कम हो गया, गर्मी है भैया बहुत, शरीर में से दुर्गंध आती है, जरा डीओ लगाओ, आगे कि नहीं आगे, माना अपन किस रूप अपने को मानते हैं कि हम अपने को पौद्गलिक रूप मानते हैं, पौद्गलिक रूप अनुभव करते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने ये सब गिना करके ये कहा कि भैया ये सब पुद्गल है और तू तो चेतना गुण वाला है। इसमें से जो 46 नंबर की गाथा है, ये 46 नंबर की गाथा की कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है कि आचार्य कुंद देव के द्वारा रचित पांचों परमागमों में यह गाथा पाई जाती है। समय सार में, प्रवचन सार में, नियम सार में है ही, पंचास्ती काय में और अष्टपावड़ में यह गाथा पाई जाती है। इसमें से मुख्य रूप से दो गाथाएं प्रचलित है, समय सार की ये 49 नंबर की गाथा अव्यक्त के बोल के लिए प्रसिद्ध है, और प्रवचन सार में यही गाथा अलिंग ग्रहण के 20 बोल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा सटखंडागम के 3 नंबर की पुस्तक में जीव का स्वरूप बताते हुए, हालांकि वो सटखंडागम करणान योग का ग्रंथ है, लेकिन जब वहां भी जीव का स्वरूप बताया तो वहां पर भी आचार्य देव ने इस गाथा को उद्धृत किया, यानी ये सीधी भगवान की दिव्य ध्वनि से आई हुई गाथा है। सटखंडागम तो सीधा गुरु परंपरा से मिला ना। अच्छा, उसके अलावा पद्मनंदी पंचमिंशतिका में ये गाथा पाई जाती है, और अपने यहां पर द्रव्य संग्रह का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन एक अपने यहां पर लघु द्रव्य संग्रह भी है। लघु द्रव्य संग्रह में क्या है कि पहले नेमिचंद सिद्धांती देव ने लघु द्रव्य संग्रह 35 गाथा प्रमाण बनाई, और बाद में उसी द्रव्य संग्रह का जब उन्होंने विस्तार किया तो फिर ये 58 श्लोक प्रमाण जो द्रव्य संग्रह अपन लोग पढ़ते हैं अभी, वृद्ध द्रव्य संग्रह, वो वृद्ध द्रव्य संग्रह बनाई है, उसी वृद्ध द्रव्य संग्रह के पीछे लघु द्रव्य संग्रह प्रकाशित है। माने इतने परमागमों में तो ये गाथा स्पष्ट रूप से मिलती है, और भी परमागम हो सकते हैं कि जिनमें यह गाथा मिलती हो लेकिन अपने को पता ना हो, लेकिन गुरुदेव श्री इतने परमागमों का उल्लेख करते थे कि इतने परमागमों में यह गाथा है। तो ये गाथा कितनी महत्वपूर्ण है ये अपने को ख्याल में लेना चाहिए। क्या मतलब कि इसमें अनेकांत दृष्टि से जीव का स्वरूप बताया। कैसा अनेकांत दृष्टि से कि तू चेतना गुण वाला है। इसके अलावा ये जितना पौद्गलिक विकार है ये सब तू नहीं है, ये तू नहीं है ये हुआ नास्ति, और ये तू है ये हुआ अस्ति। समझ आ गया? तो जो नहीं है उसका विकल्प तोड़ करके जो है उसका अवलंबन कर ले, है ना, है का स्वीकार, अस्ति का स्वीकार, ये परमात्मा होने का उपाय है। समझ आ गया? तो यार इसमें फिर क्या कहा, जानना चाहिए नहीं कहा,
जानना चाहिए, यह उपदेश की शैली है, और जान ये आदेश की शैली है। उपदेश मानने के लिए बाध्य नहीं, लेकिन आदेश को स्वीकार करना अनिवार्य है। माने ये जाने बिना आत्मा का कभी कल्याण नहीं होगा, ये कहकर के ये गाथा उन्होंने कही। फिर इसमें एक बहुत अच्छी मुझे बात बतानी है, देखो इसमें एक बहुत बढ़िया बात आई है। देखो इसमें इस गाथा में एक ये बात आई, ये गाथा की टीका की तीन लाइनें छोड़ो, उसके बाद देखो कि संसार दशा में स्थावर नाम कर्म युक्त संसारी जीव को कर्म फल चेतना होती है। किसको? स्थावर। और त्रस नाम कर्म युक्त संसारी जीव को कार्य सहित यानी कर्म चेतना सहित कर्म फल चेतना होती है। ये बात तो ठीक। अब जो देखो आगे जो बात कह रहे हैं वो जरा समझना कि कार्य परमात्मा को, कार्य परमात्मा माने कौन? अरियंत और सिद्ध कार्य परमात्मा हो गए ना, हाँ वो शुद्ध पर्याय, तो अरंत और सिद्ध हो गए ना कार्य परमात्मा। और उसके बाद देखो कि कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा को, कारण परमात्मा में कौन आया? कौन आया? कार्य परमात्मा आए कि नहीं आए कारण परमात्मा में? कारण परमात्मा माने निगोद से लेकर के सिद्ध दशा तक के सभी जीव, आगे ना, जो ध्रुव स्वभाव है, जो नित्य स्वभाव है, जिसको यहां पर कारण, जिसको यहां पर शुद्ध भाव कहा जा रहा है, जिसके लिए पहले दिन अपन ने कहा था कि कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है, आ गया। तो वो कह रहे हैं कि निगोद से लेकर सिद्ध भगवान तक सब कारण परमात्मा है। कौन सा जीव ऐसा है कि जिसमें परमात्मा स्वभाव नहीं पड़ा है? बोलो। अरे जिसको कभी परमात्मा स्वभाव प्रकट नहीं होगा, ध्यान से सुनना, कि जिसके परमात्मा स्वभाव का कभी पर्याय में परिणमन नहीं आएगा, ऐसा अभव्य जीव भी कारण परमात्मा है। हालांकि उसके कारण परमात्मा होने और नहीं होने का कोई लाभ उसको नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको कभी कारण परमात्मा का परिणमन आएगा ही नहीं, लेकिन स्वभाव तो उसका भी कारण परमात्मा है। और इसके लिए नियम सार की 110 नंबर की गाथा में सुमेरु पर्वत के नीचे पड़े हुए सोने का उदाहरण दिया। क्या कहा? कि दो तरह का सोना है, एक वो सोना जो व्यवहार योग्य होता है, माने जिसको आप यूज कर सकते हो, और एक वो सोना कि सुमेरु पर्वत के नीचे माने उसकी नींव में सोना ही सोना है। लेकिन वो सोना किस काम का, किस काम का? वो उसमें से निकाल नहीं सकते, निकाल करके उसका कोई गहना आप नहीं बना सकते। अभव्य का कारण परमात्मा सुमेरु पर्वत जैसा सोने का है, सुमेरु पर्वत का नीचे का सोना है। और हमारा कारण परमात्मा, हम जो कारण परमात्मा हैं, कि वो कारण परमात्मा कैसा है, कि वो कारण परमात्मा हम और आपके घरों में पड़े हुए सोने के समान है, कि जिसको हम यूज कर सकते हैं, समझ आ गया। लेकिन कारण परमात्मा होने पर भी कार्य क्यों नहीं आता? गुरुदेव से प्रश्न किया था, तो आप आत्मा को कारण परमात्मा, कारण परमात्मा, कारण परमात्मा कहते हो, कार्य क्यों नहीं आता? कारण है तो कार्य आना चाहिए। एक बालक ने प्रश्न किया और वो बालक था 7-8 साल का, वीरजी भाई वारिया करके थे कुछ उनने, तो जब भी कारण परमात्मा की चर्चा आवे शास्त्र में, गुरुदेव श्री उस बालक को जरूर याद करें। देखो वो लड़के ने प्रश्न किया था त्रिभुवन वारिया करके एक, कि उसने प्रश्न किया था कि आप आत्मा को कारण परमात्मा, कारण परमात्मा, कारण परमात्मा कहते हो, तो कारण है तो कार्य क्यों नहीं आता? तो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया था कि कारण परमात्मा तो है, लेकिन मैं कारण परमात्मा हूं ऐसा स्वीकार तुझे है क्या? ख्याल में आ गया? कि ऐसा स्वीकार हो
और कार्य नहीं आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या मतलब इसका? कह रहे इसका ऐसा स्वीकार आ गया कि मैं कारण परमात्मा हूं, यह स्वीकार आया, कारण परमात्मा के सन्मुख होकर यह स्वीकार आ गया, प्रकट तो हो गया कार्य। अब क्या कार्य प्रकट हो गया? यह स्वीकार आया, सम्यक दर्शन हो गया, दृष्टि मोक्ष हो गया, कार्य परमात्मा का पहला कार्य आ गया। कार्य परमात्मा की पहली किस्त सम्यक दर्शन है ना, नहीं आया कि नहीं है? हाँ, तो अभी यहां पर क्या कह रहे हैं? तो यहां पर तो एक बहुत गजब की बात कह दी। यहां पर क्या कह रहे हैं देखो आचार्य देव, कि कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा को शुद्ध ज्ञान चेतना होती है। निगोदिया को भी शुद्ध ज्ञान चेतना होती है? बोलो, होती? हाँ, नहीं, निगोदय कारण परमात्मा है कि नहीं? है ना, तो उसको शुद्ध ज्ञान चेतना होती है। यहां तो कह रहे कार्य परमात्मा को और कारण परमात्मा को, नहीं तो यहां तो कारण परमात्मा को भी लिख रहे हैं ना, वो तो कह रहे कार्य परमात्मा को और कारण परमात्मा को शुद्ध ज्ञान चेतना होती है। क्या मतलब? कि देखो भाई, कार्य परमात्मा को प्रकट रूप ज्ञान चेतना है, कार्य परमात्मा को, क्योंकि कार्य प्रकट हो गया, और यहां पर भी जो कारण परमात्मा है वो भी शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप ही उसका स्वभाव है। जो प्राप्त की प्राप्ति होती है ना, अगर उसके शुद्ध ज्ञान चेतना नहीं होवे तो कार्य परमात्मा को कहां से आएगी? अगर जो चीज कारण परमात्मा में नहीं है वो कार्य परमात्मा में कहां से आएगी? कार्य परमात्मा, कारण परमात्मा में, क्योंकि कारण का ही तो कार्य आया है। किसका कार्य आया? कारण का कार्य आया ना, तो जैसा कार्य आया वैसा कारण वर्तमान में तेरे में वर्त रहा है, लेकिन वो ध्रुव रूप वर्त रहा है, प्रकट रूप नहीं है। कारण पर मैंने निगोदिया को भी, इनको भी, मिथ्या दृष्टि को भी, अज्ञानी को भी, प्रकट रूप कार्य चेतना की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे, लेकिन जैसी कार्य चेतना कार्य परमात्मा को प्रकट हुई, उस कार्य चेतना, वो कार्य चेतना कारण परमात्मा को भी कारण रूप से वर्त रही है। नहीं वर्त रही हो तो कार्य नहीं आ सकता। ये कारण कार्य की संधि का ग्रंथ है, ये समझ लेना। जैसा कार्य सिद्ध भगवान को प्रकट हुआ, उस कार्य का कारण वर्तमान में तुझ में वर्त रहा है, वर्तमान में। यहीं से तो कारण शुद्ध पर्याय निकाली, और कहां से निकाली? अगर नहीं वर्त रहा हो तो कार्य किसका अनुसरण करके आएगा? हां, यह बात अलग है कि हमें उस कारण का पता नहीं, कारण का पता नहीं होने से कार्य की प्रकटता नहीं है, लेकिन कार्य की प्रकटता नहीं होने पर भी कारण कहीं चला गया हो ऐसा नहीं है। कारण नहीं चला गया, लेकिन कारण होने का जो लाभ हमें मिलना चाहिए, हमें वो लाभ नहीं मिल रहा। मतलब आचार्य की दृष्टि तो देखो, किसके साथ में तुलना करी अपन लोगों की? किसके साथ में तुलना की? हां, सिद्ध के कारण कार्य परमात्मा को और कारण परमात्मा को शुद्ध ज्ञान चेतना होती है। ये शब्द लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे? किसके साथ तुलना कर रहे हैं? और अपन लोग दुनिया में किससे ओढ़ लगाते हैं? मूर्खों से ओढ़ लगाते हैं, उसके जैसा बन जाऊं मैं। किसके जैसा? अंबानी जैसा बन जाऊं। अरे तेरे, तू स्वभाव से ही सिद्धों जैसा है। अरे सिद्धों जैसा है ये तो समझाने के लिए कहते हैं, सच्चाई तो इससे और आगे है। सिद्ध तेरे जैसे हैं, समझाया? तू सिद्ध जैसा नहीं है महावीर जी। क्या सारे चक्कर मिट जाएंगे? देखो अभी समझ में आया कि नहीं? क्या कहा? कि तू सिद्ध जैसा नहीं, सिद्ध तेरे जैसे हैं।
सिद्ध से तेरी तुलना करके समझाना पड़ता है, क्योंकि प्रगट से अप्रगट को समझाना है। लेकिन सच्चाई क्या है वास्तव में, बोलो। समय सार में यह लिखा कि सिद्ध भगवान मेरे स्वभाव को दर्शाने के लिए प्रतिबिंब हैं। प्रतिबिंब का अग्नि का, तो बोलो प्रतिबिंब। अगर सिद्ध प्रतिबिंब है तो उस प्रतिबिंब का बिंब कौन हुआ? बिंब की प्रति का नाम प्रतिबिंब होता है। मुकेश जी आएगी नहीं आई बात समझ में? बिंब की प्रति, तो मेरी कॉपी है सिद्ध भगवान। क्या है कि मेरी कॉपी है, अंदर से क्यों नहीं जोर आवे इतना? अरे नहीं नहीं नहीं, सिद्ध भगवान का अपमान हो जाएगा। अरे अपमान नहीं होगा, इसी में सिद्ध का सम्मान है कि तू अपने को सिद्ध नहीं, सिद्ध से भी अधिक माने, क्योंकि सिद्ध दशा एक समय की पर्याय। क्या क्या है? एक समय की पर्याय। और मैं कौन? ऐसी ऐसी अनंत पर्याय जिसके अंदर पड़ी है, जिसको पी करके बैठा है। अनंत काल तक ऐसी सिद्ध पर्याय चल की धारा चले, और जिस कारण परमात्मा में कुछ कमी नहीं आवे, जो सिद्ध दशा की खदान है, जो सिद्ध दशा का गोदाम है। वो गोदाम तो ऐसा कि थोड़ा माल निकालो तो खाली हो जाए, ये गोदाम ऐसा कि कितना ही निकालते जाओ, अक्षुण्य रिद्धि वाला गोदाम है ये। सिद्ध दशा की अक्षुण्य रिद्धि इसमें पड़ी हुई है कि तुम कितनी ही सिद्ध दशा की पर्याय निकाले जाओ, कितनी ही कार्य परमात्मा की पर्याय निकाली जाओ, इस कारण परमात्मा में अंश मात्र भी कभी कमी नहीं आएगी। बोलो, तुलना यहां कर रहे हैं आचार्य देव। गुरुदेव श्री बोलते थे, एक बार हां पाड़ के मैं प्रभु हूं, हां पाड़ तेरी हालत बदल जाएगी, हां में से लत आ जाएगी, हालत बदल जाएगी, है ना। लेकिन जब ये बात आती, नहीं नहीं, वो निश्चय नहीं से है आत्मा प्रभु, निश्चय नहीं से है। अरे मार दे निश्चय नहीं को, एक और रख दे निश्चय नहीं को। क्या निश्चय नहीं लगा रखा है? निश्चय नहीं से ऐसा है, व्यवहार नहीं से ऐसा है, ये कहकर के अज्ञानी जीव अपने अभिप्राय बात तो करता, निश्चय नहीं से ऐसा है, लेकिन व्यवहार नहीं से, तो वजन किधर जाता है? खत्म कर दिया पूरा, कर रख दे एक तरफ, वजन किधर गया पूरा का पूरा? कि पूरा का पूरा बात करेगा, निश्चय नहीं से शुद्ध है, निश्चय नहीं से सिद्ध समान है, व्यवहार नहीं से तो पामर है ना, वजन किधर गया मनोज भाई? किधर गया वजन? हैं? व्यवहार पे वजन गया पूरा का पूरा। जिनवाणी कहती कि निश्चय व्यवहार का प्रयोग करना भी हो तुझे तो इस तरह कर, करे व्यवहार नए से पामरता कही जाती होगी, व्यवहार नए से अशुद्धता कही जाती होगी, व्यवहार नए से आत्मा को संसारी कहा जाता होगा, निश्चय नए से तो आत्मा शुद्ध है ना, सिद्ध समान है ना, वजन क्यों नहीं आता उधर? अगर निश्चय व्यवहार का प्रयोग करना है तो इस तरह करें। हम तो निश्चय व्यवहार का प्रयोग भी इस तरह करते हैं कि जैसे निश्चय नय का प्रयोग करके कोई गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीव को प्रमाण ज्ञान का लोभ और निश्चयाभास होने का डर, निश्चयाभासी हो जाएगा। देखा, मिथ्या दृष्टि कोई न कोई आभासी तो है, चिंता नहीं करो उसकी, मिथ्या दृष्टि है ना तो कोई न कोई आभासी है। अब वो व्यवहारावासी हो कि निश्चयावासी हो, उभियावासी हो, अरे साहब वो निश्चयावासी हो जाएगा तो नरक में चला जाएगा। अच्छा, मैंने व्यवहारावासी होगा तो क्या होगा? अरे स्वर्ग में तो जाएगा। मैंने कहा स्वर्ग में जाएगा और वहां से ऊपर से गिरेगा ना तो हड्डी पसली नहीं मिलेगी उसकी। जितना ज्यादा ऊपर से गिरता है ना तो हड्डी पसली नहीं मिलती। हड्डी पसली का मतलब समझे नहीं समझे? कि दो इंद्रिय पर्याय में हड्डी मिलती है और एक इंद्रिय पर्याय को हड्डी नहीं होती। अब समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं। तय तय चय, समझ में आ गया? सम्यक दर्शन होने के लायक नहीं बचेगा। ये बहुत लोगों को रहता है, अरे व्यवहार व्यवहारभाषी है तो कम से कम स्वर्ग में तो चला जाएगा, निश्चयभाषी हो गया तो नरक जाएगा। क्यों हो गया? निश्चय का अभ्यासी क्यों नहीं होवे, ये क्यों नहीं बोलते हो? नहीं आया समझ? निश्चयभाषी क्यों हो जाएगा? निश्चयभाषी आचार्य भगवान ने ये कारण परमात्मा को
कार्य परमात्मा के साथ तुलना करने की जो बात लिखी, ये जीवों को निश्चयवासी होने के लिए लिखी है? अरे निश्चय का अभ्यासी हो जाएगा। आज तक इस जीव को शुद्ध नए का पक्ष आया ही नहीं। व्यवहार के पक्ष इतने जबरदस्त पड़े हुए हैं कि जिनवाणी में तो उसका उपदेश इसलिए है कि व्यवहारी जीवों को समझाना है, और जीव को खुद को व्यवहार का पक्ष है, और सारे अगत जगत के अज्ञानी जीव व्यवहार की परस्पर चर्चा करते हैं, आचार्य तो करते हैं, लिखा आचार्य तो करते हैं परस्पर उसी का, पंडित जी ने लिखा, लेकिन उसके बाद क्या लिखा, इसका फल संसार ही है। शुद्ध नय का पक्ष, पक्ष कभी आया नहीं। अरे पक्ष आएगा, पक्ष आने के बाद उसमें दक्ष होगा, और दक्ष होगा तब शुद्ध नय की विषय भूत वस्तु का लक्ष्य होगा, अभी पक्ष में नहीं आया। अभी तो पक्ष में आवे, पहले पक्ष में आने के बाद उसमें दक्ष होवे, और दक्ष होने के बाद उस वस्तु का लक्ष्य होवे, ये तरीका है। लेकिन जब एक कारण परमा, ये जब इतनी उत्कृष्ट शुद्ध तत्व की बात आवे ना, अरे नहीं भैया सभा में ये बात नहीं करना, क्यों नहीं करना? पंडित टोटरमल जी ने क्या लिखा कि मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो अध्यात्म में है, यदि तू उसका निषेध करेगा तो मोक्ष मार्ग का निषेध होगा। क्या करना है? आई बात समझ में कि नहीं? गजब की बात है, कारण परमात्मा, मेरे एक एक शब्द इतना गजब का है इस नियम सार में, तो क्या बोले। देखो, कारण परमात्मा शुद्ध इसलिए कार्य समय सार अथवा कारण समय सार को सहज फल रूप, सहज फल रूप शुद्ध ज्ञान चेतना होती है। सहज फल, फल रूप, फल रूप शुद्ध ज्ञान चेतना होती है, इसलिए सहज सहज शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप निज कारण परमात्मा, देखो कितना गजब का लिखा, सहज शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप निज कारण परमात्मा संसार अवस्था में या मुक्त अवस्था में, सुन लो और क्या कह दिया, संसार अवस्था में या मुक्त अवस्था में सर्वदा, सर्वदा माने सदा, मैं तो नहीं पढ़ रहा हूं ना, आचार्य के शब्द पढ़ रहा हूं ना, अपने घर से थोड़ी लाया हूं, है ना, सर्वदा एक रूप होने से उपादेय है। बोलो, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा में कुछ भी भेद मैं किस नए से देखूं? आगे तो कहेंगे, अभी सुबुद्धि और कुबुद्धि में कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं? आचार्य कहते मेरे पास वो नए ही नहीं है। जब ये बात उनने कही तो व्यवहार नए से, तो गुरुदेव ने तीन बार उस कलश के प्रवचन में बोला कि व्यवहार नए तो मानो कुछ है ही नहीं, व्यवहार नए की तो मस्करी उड़ाई है। और ये बात गुरुदेव ने बोला वो सो नहीं, आलोचना अधिकार, जब नियम सार का आगे आएगा तो आलोचना अधिकार में मुनिराज को, टीकाकार मुनिराज को इतना पावर चढ़ा कि उन्होंने कलश रचना की, और कलश रचना करते करते ही बीच में एक गद्य लिखा। उनने गद्य क्या लिखा कि इस व्यवहार की तो मखोल उड़ाते हैं। क्यों ऐसे शब्द लिखते हैं आचार्य भगवान? ये उड़ाने लायक ही है। अरे साहब व्यवहार उड़ जाएगा, अरे व्यवहार उड़ जाएगा तो निश्चय प्रकट हो जाएगा, घबराते क्यों? जैसे कोई आदमी समाधि के लिए बैठे तो उसको क्या समझाया जाता है, अरे घबराता क्यों है, ये शरीर गया तो तेरे को इससे बढ़िया शरीर मिलेगा, स्वर्ग में जाएगा, वैकरी शरीर मिलेगा, गंदे गंदा शरीर नहीं मिलेगा, नौ द्वार बे घिनकारी वाला नहीं मिलेगा। तो वो कहे क्यों साहब नहीं मिला तो, शरीर नहीं मिला तो, नहीं मिला तो और बढ़िया है। अगर एक बार तेरे को शरीर नहीं मिला तो फिर अनंत काल तक के लिए नहीं मिलेगा, जा सिद्ध हो जाएगा, तेरे हाथ, तेरे तो दोनों हाथ में लट्टू है ना। अरे व्यवहार के निषेध में उत्कृष्ट जाति का व्यवहार प्रकट होता है, एक बात, और सर्वथा अंतर्मुख हो गया तो केवल ज्ञान होता है।
घबराते हैं क्या, मेरा व्यवहार लूट जाएगा, लूटने जैसा ही है तो क्या करना है, इसको रख के रखना है, छाती से लगाना है व्यवहार को, क्या करना है। अनंत काल हुआ, क्या हुआ, अब तो वो काम करने जैसा है ना जो आज तक नहीं किया। ये कहने के बाद देखो ये हो गया कि संसार अवस्था में और मुक्त अवस्था में सर्वदा एक रूप होने से उपादेय है। ऐसा हे शिष्य तू जान, आदेश लगाया तू जान है ना। और इतना कहने के बाद फिर आचार्य भगवान ने यह कहा कि भैया मैं ही नहीं कह रहा, ये पद्मनंदी आचार्य भी कह रहे हैं। और फिर पद्मनंदी आचार्य का उन्होंने रेफरेंस दिया और उसके बाद गाथा नंबर 47 और गाथा नंबर 48। 47 गाथा पढ़ लेते हैं, 48 से 50 तक की चर्चा कल की उसमें करेंगे अपन। देखो गाथा नंबर 47 में किसी को सीधे इतना कहने के बाद भी किसी को समझ में नहीं आया हो, कार्य परमात्मा कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा कारण परमात्मा दोनों एक रूप, संसार अवस्था मुक्त अवस्था, ये सब आया ना ऊपर, इतना कहने पर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो फिर आचार्य भगवान और खोल करके कहते हैं। और वो क्या कहते हैं कि हे सिद्ध जैसे जीव त्यों भवलीन संसारी वही गुणी आठ से जो है अलंकृत जन्म मरण जरा नहीं। लो अब सुन लो, और ये एक गाथा में नहीं लिया, आगे और गाथा पढ़ लो, खाली इसका अनुवाद पढ़ लेंगे गाथा पूरी करते हैं। बस देखो आगे की गाथा और पढ़ लो, बिन देह अविनाशी अतीन्द्रिय शोध निर्मल सिद्ध जो लोकाग्र में जैसे विराजे सिद्ध हैं भव जीव हैं भवलीन त्यों। बोलो कौन कर रहे हैं तुलना है? कुंद कुंद जैसे महासमर्थ दिगंबर संत ये बात कह रहे हैं, किससे कहलवाना चाहते हो? रास्ते चलते किसी ने नहीं कह दिया हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, कौन कह रहे हैं? तो गुरुदेव श्री कह रहे हैं। सिद्ध जैसे संसारी कौन कह रहे हैं? तो कुंद कुंद कह रहे हैं। बोलो कहने वाले की बात का वजन होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं? और कुंद कुंद कह रहे थे, क्या कह रहे हैं कि भैया हम सिमंदर भगवान के पास गए थे तो भगवान की वाणी में यह सुनकर के आए हैं। आगे बात समझ में, ये दो गाथाओं में संसारी और सिद्ध है ना, इसमें खाली एक इसका उपोद्गात पढ़ता हूं, चर्चा बाकी कल करेंगे कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से आ गया संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में अंतर न होने का यह कथन है। मैंने हम वो अभी अब के साहब अब ये नहीं कि अंतर नहीं बता दिया उन्होंने, ये कहकर के अंतर नहीं बता दिया कि संसारी जीव और मुक्त जीव, तो संसारी और मुक्त ये अंतर नहीं बता दिया। ये होने पर भी हम वो देखना चाहते हैं जिसमें अंतर नहीं है, कि ये तो पर्याय है संसारी और मुक्त, ये दोनों तो परद्रव्य है मेरे लिए, परद्रव्य है ये, तो अंतर नहीं है। वो कौन सा स्थल है कि जो अंतर नहीं है? तो कि शुद्ध द्रव्य आर्थिक नहीं, से मतलब क्या कि शुद्ध द्रव्य को तुम देखो, तुम संसार दशा और मुक्त दशा को क्यों देख रहे हो? तो दशा है ना, दशा बदलने में कितना टाइम लगेगा, इसकी विस्तार से चर्चा अपन कल की स्वाध्याय में करेंगे।